हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होता आरं रत्नधातमं। आज हम सब मिलकर के जो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म जिसको कहा जाता है, उस यज्ञ को, उस हवन को, अग्निहोत्र को आज हम सब लोग मिलकर के करेंगे। यह यज्ञ देव पूजन, ईश्वर की आराधना या आध्यात्मिक अनुष्ठान के रूप में और भी अलग अलग लाभों के लिए ये किया जाता है और होता है। लेकिन हम अपने प्राचीन ग्रंथों को, शास्त्रों को देखें तो 21 प्रकार के यज्ञ बताए। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इस प्रकार से तीन कैटेगरी में। नित्य यज्ञ जिसको पंच महायज्ञ कहते हैं ना, जो हमें प्रतिदिन करना होता है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये पंच महायज्ञ नित्य यज्ञ कहा जाता है। नैमित्तिक यज्ञ किसी निमित्त विषय से करना, कोई संस्कार आदि है तो उसको एक निमित्त होता है, उस निमित्त विषय से करना उसको नैमित्तिक कहते हैं। और एक काम्य होता है किसी एक कामना विशेष से हवन किया, जैसे हमें कोई बीमारी हो गई तो उस बीमारी को दूर करने की हमारी एक मनोकामना है, उसके लिए श्री कामो यज्ञ, धन आदि की कामना है तो उसके लिए हमने यजन किया। इसी प्रकार से अलग अलग कोई एक उद्देश्य को लेकर के जब किया जाता है तो काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। तो आज हम जो यज्ञ करेंगे, हवन सीखेंगे, वो दो प्रकार के, एक देव यज्ञ जो नित्य यज्ञ कहा जाता है और दूसरा चिकित्सा यज्ञ जिसको भेषज यज्ञ कहा जाता है। ये दो यज्ञ हम विशेष रूप से आज सीखेंगे, अपने हाथ से करेंगे। और इन दो यज्ञ को हम करते हैं तो उसका जो लाभ प्राप्त होता है उसमें अलग अलग कई सारे लाभ होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है, देखिए हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं उसमें दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे में धन आवेशित कणों की बाहुल्यता रहती है और उस वायुमंडल में रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी एसिटिक बन जाती है, अम्लीय बन जाती है और अनेक प्रकार के रोग होते हैं अम्लीय बॉडी होने के कारण। और दूसरे पार्टिकल होते हैं ऋण आवेशित कण, वो स्वाभाविक रूप से जहां जंगल है, झरने हैं, पेड़ पौधे, बागान है, ऐसे स्थानों पे स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। उस वायुमंडल में रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है, क्षारीय बनती है। और क्षारीय शरीर होता है तो उसमें कोई रोग नहीं होता है, और हो भी गया है और उस वायुमंडल में रहते तो जल्दी से वो ठीक हो जाता है। दूसरा, उस कण प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मानी जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं वो दूर होते हैं और जिसको हम गुड हार्मोन्स कहते हैं वो गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये वायुमंडल के अंदर दो कण होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, सामान्य रूप से हम योगाभ्यास करते हैं तो कैसे स्थान पर हमें योग करने के लिए निर्देश दिया जाता है? जहां पर पेड़ पौधे बागान हो, झरने, नदी, तालाब या पहाड़ी क्षेत्र हो, ऐसे स्थानों पर करें तो उसका लाभ विशेष मिलता है। उसके पीछे कारण क्या होता है?
ऋण आवेशित कण, आज इसको आयन चिकित्सा के रूप में भी अपना रहे, जो गंभीर रोगों से इस प्रकार की बीमारियों से रोगी होते तो उनको क्या कहते हैं, आप कुछ दिन कुछ पहाड़ी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र होते वहां पे यदि अपना वास रखते हैं तो आपको इस बीमारी से निजात पाने में बड़ी आसानी होती है। कहने का अभिप्राय है कि जिस स्थान पर हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं उस स्थान पर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी मात्रा होती है जहां घना जंगल हो और उस वायुमंडल में जितने पार्टिकल पाए जाते हैं ऋण आवेशित, उतना हम अपने घर में छोटा सा यज्ञ करके अपने घर के अंदर जंगल जैसा वायुमंडल निर्मित कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी चीज। और एक दूसरा महत्वपूर्ण लाभ देखिए, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग करते हैं, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और भी बहुत सारे उपकरण, और आज कार्बनिक पदार्थों का भी आज हम प्रयोग करते हैं जो बीटा रेडिएशन छोड़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन, ये दोनों प्रकार के रेडिएशन के जाल में आज हम जी रहे हैं और इसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क और विशेष करके हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, हमारी कोशिकाएं सेल्स डैमेज होते हैं और आज MND MD जैसी बीमारियों का कारण रेडिएशन को बताया जा रहा है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये हवन करने पर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वो वायुमंडल के आने पर एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही दूर होते हैं। डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई सारे परीक्षणों के माध्यम से ये प्रूव करके बताया कि यज्ञ करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूर हो जाता है। और डॉक्टर वाई के विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने कई परीक्षणों के माध्यम से बताया कि जो कार्बनिक पदार्थों से निकलने वाला जो बीटा, अल्फा, बीटा और गामा तीन प्रकार के रेडिएशन होता है उसमें सबसे ज्यादा व्यवहार में आने वाला और हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाने वाला जो रेडिएशन होता है वो बीटा रेडिएशन होता है। वो रेडिएशन यज्ञ को करने पर दूर हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, आज रेडिएशन के कारण कितनी बड़ी पूरी दुनिया में मुहिम चल रही है। कई देशों में तो बड़ी मुहिम चलाई जा रही है कि 5G नेटवर्क को कैसे भी करके रोका जाए, और भी चीजों जैसे मधुमक्खी, चिड़िया आदि भी इस रेडिएशन का कारण दूर हो जाती हैं। और हम 11 गायत्री मंत्र से यदि अपने घर के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो हम रेडिएशन से भी बच सकते हैं। ये दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है। और एक तीसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाभ होता है, देखिए आज आप सब लोग कोरोना वायरस को जानते हैं और कोरोना वायरस के कारण क्या पूरी दुनिया ने दिन बिताए पिछले और कितनी हानि उठाई हम सब जानते हैं, अवगत हैं। ये केवल मात्र एक वायरस की बात नहीं है, ऐसे ना जाने कितने प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एक टीबी का रोग कितने साल पहले आया था, आज तक भारत सरकार उसके पीछे मुहिम चला रही है और लाखों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में उसके पीछे खर्च हुए और ऐसी कितनी ना जाने बीमारियां हैं। और प्रति वर्ष के आंकड़ों को हम देखें तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण अर्थात बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य बीमारियां और उन बीमारियों के कारण होने वाला मेडिकल खर्च को देखें तो कई हजार करोड़ रुपए हैं। और उतना खर्च होने के बावजूद 2.25 करोड़ लोग, WHO के आंकड़ों को हम देखें तो 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने लोग, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, 2.25 करोड़ लोग। और उस 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु के लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं उनको हमने लिया और लेबोरेटरी वर्क करके और उसमें जो हम हवन करते हैं उसमें अलग अलग जड़ी बूटियों का हवन करने पर जो धूम्र उठता है, जो गैसें बनती हैं, उन गैसों को उसके ऊपर दिया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिन बैक्टीरिया, फंगस आदि के कारण 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं वो बैक्टीरिया हवन करने पर, एक बार मात्र हवन करने पर 65% से 96% मर जाते हैं। 65% से 96% एक बार मात्र यज्ञ, मानी इतना छोटा सा यज्ञ हम अपने घर के अंदर हर रोज कर ले 11 आहुति से तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन सब चीजों से हम बच जाते हैं। और अभी की आपको एक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि अभी एक रिसर्च आई, हम जिस मोबाइल का प्रयोग करते हैं वो मोबाइल कवर के ऊपर इतना बैक्टीरिया होता है कि हमारे घर के अंदर जो टॉयलेट सीट होती है उसके ऊपर भी नहीं होता है।
हम ना इसको धोते हैं, हर दिन प्रयोग करते हैं, बार बार हाथ लगाते हैं, इसके ऊपर इतनी बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होता है और उससे बार बार हाथ हम अपने शरीर पे लगाते हैं और उसके कारण अनेक प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। तो इनसे भी हमें बचना चाहिए। इस प्रकार के रोगों से यदि हम बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन 11 आहुति देकर के अपने घर में छोटा सा हवन यज्ञ अग्निहोत्र जरूर करना। और ये तीन लाभ आपको महत्वपूर्ण और विशेष बताया। एक चौथा लाभ देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं, ये हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है। हम एनर्जी से चलते हैं ना, एनर्जी ऊर्जा शक्ति से चलते हैं। वो एनर्जी ऊर्जा शक्ति हमें किस माध्यम से प्राप्त होती है? आहार से। आहार से हम लेते हैं ना, और वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? तीन रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। धरती पर ये तीन ही रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो तीन रूपों में आहार लेते हैं, जिसमें ठोस रूप में रोटी दाल चावल आदि हम लेते हैं, द्रव रूप में पानी दूध जूस आदि हम लेते हैं, और गैस रूप में वायु हम लेते हैं। अब 24 घंटे में आप देखिए सबसे ज्यादा आहार इन तीन में से हम कौन सा लेते हैं? भोजन कितनी बार लेते हैं? दो बार, तीन बार। पानी दूध जूस द्रव रूप आहार 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन वायु एनी टाइम खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड हम इस वायु रूप आहार को ले रहे होते हैं। मानिए 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार हम कोई लेते हैं तो क्या लेते हैं? वायु रूप आहार। और सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार भी। हम रोटी दाल चावल आदि छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी दूध जूस आदि छोड़ दे द्रव रूप आहार तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट और हमारा ही नहीं जीव मात्र का कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु। और उस वायु का शोधन करना, उसका पोषण करना, उसका संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ से होता है, हवन से होता है। तो हमारा सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। और आज देखिए हम जिस वायु में रहते हैं ये वायु आज प्रदूषित हो चुकी है। बहुत सारे अलग अलग गैसें SOX, NOX, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर के अलग अलग बहुत सारी गैसें इसमें आज भारी मात्रा में ऐड होती चली जा रही है। आज WHO को आंकड़ों को देखें तो केवल वायु प्रदूषण के कारण मरने वाले लोगों के जो आंकड़े हैं वो 70 लाख लोग हैं। जो प्राण वायु हमें जीवन देती है वही आज लोगों के जीवन ले रही है। और जिस हवन को अभी हम करेंगे, इस यज्ञ को करने पर जो गैसें बनती हैं उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग कई सारी मल्टीपल गैसें होती है, ये जब वायु के अंदर आती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। एक आपने सबने सुना है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, क्लोरोफिल पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं, टूटते हैं तो कार्बन को वो अपना आहार बना करके अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रक्रिया से जो पहले से ही बॉन्ड्स के रूप में बंधी हुई हैं उसको हम अलग कर, कार्बन को अवशोषित कर ले, ऑक्सीजन अलग होगी। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही दूसरी प्रक्रिया होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। वो गैस गैस आपस में मिलने पर एक निश्चित टेम्परेचर जब मिलता है तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक घातक जहरीली गैस है जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं, वो गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कई परीक्षणों के माध्यम से इस बात को विशेष रूप से बताया। इसी प्रकार से डॉक्टर ओम प्रकाश के साथ साथ डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे कई सारी रिसर्चों के माध्यम से यह सामने आया कि हवन यज्ञ अग्निहोत्र करने पर वायु प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है। वायु प्रदूषण से बचाव हो गया, रेडिएशन से बचाव हो गया, बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि से हमारा बचाव हो गया,
और उसके साथ साथ धन आवेशित कण, ऋण आवेशित जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष बात है कि यज्ञ करने पर, यज्ञ के अंदर हम गाय का घी आहुत करते हैं ना, गाय के घी को जब हम जलाते हैं तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस रूप में? गैस फॉर्म में। जब वो गैस रूप में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना रूपांतरित हो जाते हैं। कितना? कई गुना वो बढ़ जाता है। और उस गैस को जब एनालाइज करके देखा, जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवाइयां बनाते हैं ना, तो उसकी एक पद्धति होती है कि कौन से द्रव्य के अंदर कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में है उसको नापने नहीं, उसको कहते हैं GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये माइक्रो लेवल पर उस द्रव्य के अंदर क्या क्या तत्व होते हैं उनको एनालाइज करके बताती है। ये कई करोड़ की मशीन आती है और उसमें हवन करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब एनालाइज करके देखा तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब हम बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें उस बीमारी विशेष को ट्रीट करने के लिए जो अलग अलग औषधियां जड़ी बूटियां देते हैं ना, उन दवाइयों के अंदर उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सूजन है, दर्द है, एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां दे देते हैं, इंफेक्शन आदि है तो एंटी माइक्रोबाइल दवाइयां दे देते हैं, कैंसर आदि है तो एंटी कैंसरस कंपोनेंट्स वाली दवाइयां देते हैं, और ये सारे मल्टीपल कंपोनेंट परमिसिबल लिमिट में गैस फॉर्म में एक साथ हवन के धूम्र के अंदर प्राप्त होते हैं। यज्ञ का धुआं विशुद्ध मेडिसिन होता है और उसी के आधार पे फिर अलग अलग कई सारी जड़ी बूटियों से हवन करने पर इस प्रकार से एनालाइज कर करके, और आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज तक दुनिया में जो हम खाते हैं उन दवाइयों के ऊपर उस रूप की रिसर्च हुई थी। आज PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पतंजलि योगपीठ में आज आपके सामने जो ये अलग अलग जड़ी बूटियां रखी हैं, ये रोगानुसार हवन सामग्रियां हैं पूरी साइंटिफिक एविडेंस के साथ। ये पहली बार दुनिया में काम हुआ कि जो हम 24 घंटे सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा आहार होता है, उस आहार के माध्यम से मेडिसिनल कंपोनेंट्स को श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा करके हम अपनी ट्रीटमेंट करते हैं। और इस ट्रीटमेंट में आयुर्वेद के अंदर तीन प्रकार की चिकित्सा बताई, कितनी? एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। मानुषी चिकित्सा आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, ये सारी चीज लेते हैं, ये सब मानुषी चिकित्सा, चीर फाड़ करके जो किया जाता है ऑपरेशन आदि सारी चीजें, उसको आसुरी चिकित्सा कही जाती है, और हवन यज्ञ अग्निहोत्र को देवीय चिकित्सा कहा जाता है। और आयुर्वेद में बताया, यया प्रयुक्ता चेष्टया राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। मानी जब ये दो चिकित्साएं हैं उससे जब अब रोग कंट्रोल नहीं हो रहा है, काबू में नहीं आ रहा है, अब वो दुसाध्य असाध्य कोटि में जा चुका है, ऐसे रोगों को जीतने के लिए जैसे पूर्व काल में वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है, आरोग्यार्थी प्रयोजित, जो आरोग्य चाहता है उस अनुष्ठान को करें। और अथर्ववेद में कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्योरंतिकम नित्येव तमा हरामी अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। कहा यदि क्षितायु, यदि उनकी आयु क्षीण हो गई, यदि मृत्योर अंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा हूं, तमहारामी उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सत सारदाय 100 साल की निरोगी आयु प्रदान करता हूं। ये अथर्ववेद में भी यज्ञ चिकित्सा के बारे में और भी बहुत सारे शास्त्रों में अलग अलग रूपों में महत्वपूर्ण रूप से यज्ञ चिकित्सा के बारे में वर्णन आता है। उसके आधार पर जब रिसर्च करते तो रिसर्चों में भी पाया गया, और जिन लोगों ने इस यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, जिन्होंने किया, मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाह रहा हूं। एक हमारी हीरा बहन, उनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हुई, 3 बार हार्ट अटैक आ चुके थे, चौथी बार जब हार्ट अटैक आया हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई, 3 महीने के करीब करीब उनको आईसीयू में भर्ती रखा हॉस्पिटल में, और उसके बाद उनको डॉक्टर लोग ने कहा कि हमें जो कुछ करना था सारा कुछ कर चुके हैं, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसको घर पे ले जाइए, 15 दिन 20 दिन जितने दिन जीते हैं आप उसकी सेवा कीजिए। स्पेशल एम्बुलेंस के साथ 24 घंटे 3 महीने से ऑक्सीजन मास्क के ऊपर थी और उसी के साथ उनको डॉक्टर लोग घर पे छोड़ करके चले गए। उस समय उनको विशेष रूप से उनके कमरे के अंदर यज्ञ करना प्रारंभ किया, दो
तीन दिन वैसे ही किया। तीन दिन के बाद उनका मास्क आधा मिनट एक मिनट हटाया, जब उनको प्रॉब्लम होने लगते तो वापस लगा दिया, बाकी हटा लिया। ऐसे करते करते डॉक्टर लोगों ने 15-20 दिन बताया था और 6 महीने बीत गए और 6 महीने में 100% ऑक्सीजन मास्क हट गया। और आज 6 साल हो गया उस घटना को, आज भी वो माता जी जीवित है, खा पी रही और सब चीज कर रही है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम् यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं तेन तेनैव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी, अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया, उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था, उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा, डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है, बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी, क्या सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं, अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए, हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला, हवन करते करते जब 2 महीना हो गया उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा, तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा, अंगूठे के बाद 4-5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उसे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई, उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया, 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया, 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियां 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें
संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।